वेलकम बैक. दिस इज टाइनी क्वेश्चन रेज्ड बाय लॉट ऑफ क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स आस्किंग व्हाई क्लासिक फर्नीचर यूनिट्स और वुडन कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स हैव बिकम सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी सिंपल बिकॉज वी ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ नेचर एंड दीज आर द प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेरी ऑर्गेनिक, चिजल्ड ऑन सॉलिड वुड, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, नो मास प्रोडक्शन डन ऑन दिस. दैट्स अ रीजन दे आर एक्सक्लूसिव एंड दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैट्स अ रीजन दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज folded into it. So let's begin the video with a small introduction and छोटा सा कारखाना, छोटा, बहुत छोटा जी. और अभी तो ये एक फैक्ट्री है, इसके अलावा दो तीन कारखाने हैं जो आपको ले जा सकते हैं. आगे शोरूम भी बनाने का हम प्रोसेस कर रहे हैं. आने के बाद आप चार साल के बाद आए तो उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत बार आपसे बात भी हुई है हमारी. बाई चांस वीडियो शूट नहीं हो पाया है, आपको लगेगा कि सहारनपुर के मुकाबले यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है. आप देखिए बिल्कुल काफी पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है. देखिए इतने एरिया में बहुत सारी कार्विंग की है तो ये अच्छा. फाइन है तो ये दिखाऊं. देखिए ये बहुत ही कम्फर्ट है और साथ में हम बैक सपोर्ट अच्छी है इसकी. जी बैक सपोर्ट भी अच्छी है. देखिए ये थोड़ा सा कर्व में है तो कम्फर्ट ख्याल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए सर. वो महाराजा वाली फीलिंग तो आनी चाहिए जब आप वुडन कार्विंग में जा रहे हैं. तो द मोमेंट आई सॉ दिस आई इमीडिएटली फेल इन लव. मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीस. This reminds me of हीरा मंडी. ये इनके प्रॉपर ऐसे औजार होते हैं तो इसी शेप में, इसी कलर में, यही रॉ में देखा है और बहुत खूबसूरत दिखता है. जिस तरह मैट फिनिश में देखा होगा आपने ना. हाँ मैट फिनिश में देखा है. ऑलिव ग्रीन जो शर्ट आप पहने. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सर. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. सोफाज भी बनते हैं. बिल्कुल सारी चीजें बनती हैं ना. सब चीजें बनती है. जैसे कार्विंग में सब चीजें बनती है वैसे टगाई में सब चीजें बन सकती है. आप खुद भी इन्वेंट करते हैं, आपकी टीम भी इन्वेंट. जी जी सर, ये हम लोग नई नई चीजें लेके आते हैं तो लाइट कार्विंग या मीडियम कार्विंग भी कर सकते हैं सर. एक साल पुराने बेड्स हैं. अच्छा ऐसे समझ लीजिए इनके अगर ऑर्डर्स आते हैं तो ये रख के रखते हैं, दूसरा बना के देते हैं अगर कस्टमर का अर्जेंट होता है. क्योंकि जनरली ऐसे बेड्स के अंदर 2 से 3 महीना तो लगते ही है. आपके ऑप्शन है, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है. जनरली लोगों का जो तरीका है ना, जनरली हमारे पास अच्छे सिखाते हैं ना लोग छोटे छोटे पीसेस. तो द प्रोविजन फॉर मैरिंग अ डाइनिंग टेबल देन आई वुड हैव बीन मैरिड टू दिस. हेलो अमित. हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच. वेलकम टू क्लैपट्रैप जी. ओके आमिर, कितने साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी? सर हमारी तकरीबन 4 साल पहले मुलाकात हुई थी जब मैं स्टार्टिंग में इस काम के अंदर आया था. हाँ तभी हम लोग आपसे वीडियो शूट कराई थी हमने. तब आप लगभग कितने, 21 साल के थे? जी मैं 22 या 21 का था उस टाइम. सर 4 साल में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है. जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया. बेसिकली हमने डिज़ाइंस पे बात की है, कस्टमाइजेशन बहुत सारे किए हैं, बड़े बड़े बंगलों के ऑर्डर किए, तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली है और उन चीज़ों से हमने सीखा है. क्योंकि स्ट्रेंथ भी रखनी पड़ती है तो 3 इंच के अंदर लेके चलते हैं. आप यहाँ से इसकी थिकनेस देखेंगे तो 3 इंच तो होगी, 3 से प्लस होगी सर. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है. ये भी फैब्रिक किसी कस्टमर ने खुद से अपने आप चूज़ किया है? उनका अपना हमारे पास फैब्रिक है ऊपर रूम के अंदर, वो हम आपको दिखा देंगे ताकि आप सिलेक्शन करने में इजी रहे आपके लिए. चलिए जकार्ड का और स्वेड का, कॉटन का सर, सब बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे. कि अब गद्दी जो हमने फोमिंग यूज करते हैं वो स्लीप वेल करते हैं, लोकल गद्दी नहीं यूज करते, वो हमारे पास रखी है, हम दिखाएंगे आपको लाइव. चलिए ठीक है, उसको हम बिगनिंग ऑफ द वीडियो में कुछ शॉर्ट्स में दिखाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल. चलिए ये ट्रेडिशनल डिजाइन है. अभी हम मुझे 2-3 चीजें और क्विकली देखें. चलिए आई लाइक इट लाइक दिस. आपने कहा अनफिनिश्ड है, बट ट्रस्ट मी कुछ लोग हैं पूरी दुनिया में मेरे जैसे जो थोड़े से एसेंट्रिक हैं, जिनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है. उन लोगों को इस तरह के अलग अलग टेस्ट के आदमी, मतलब मैंने 4 साल के अंदर बहुत सारे ऑर्डर किए हैं तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. मतलब अलग अलग शौक होते हैं उनके, कि जो चीज़ें हमें पसंद है उन्हें पसंद आती है, जो हमें पसंद आती है उन्हें नहीं आती है. तो अलग अलग शौक है, वो हम नहीं कर सकते. शौक बड़ी चीज़ है, इंसान अपना अपना है सबका. बिल्कुल. तो इसको हम बात कर रहे थे, इसको हमने देखा है लगे हुए, हमने इसको इसी शेप में, इसी कलर में, यही रॉ में देखा है और बहुत खूबसूरत दिखता है. और जिस तरह इसको मैट फिनिश में देखा होगा आपने ना. हाँ मैट फिनिश में देखा है. ऑलिव ग्रीन जो शर्ट आप पहने. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सर. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. ओह ओके. और स्पेशली ऐसा आपने सही बोला, एनआरआई को बहुत अच्छा लगता है. ऑलिव ग्रीन वॉल के ऊपर मैंने देखा है. आपके जाने के बाद हमने आपकी वीडियो से हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं. जैसे कि रशिया का भी ऑर्डर किया है, बहरीन का एक चल रहा है. उस टाइम तो जब आप आए थे उस टाइम तो बहुत सारे ऑर्डर मिले थे. जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी किए हैं, लंदन में भी भेजा है सामान, बहरीन में भी भेजा है और गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज में भेजा. चलिए माय फेवरेट मैंने आपको बताया, जैसे कि मुझे ऑलिव ग्रीन के अगेंस्ट देखा था जो कलर की शर्ट आप पहने, से थोड़ा डार्कर टोन में था, सेज ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था, अमेजिंग यही कलर में. आप इसको गोल्ड वोल्ड भी कर सकते हैं. बिल्कुल सर, कलर का कोई भी आप करा सकते हैं. और आप इसको ना, ये इतनी अच्छी आपको आइटम इसलिए लगी क्योंकि इसके अंदर कार्विंग आप देखें ना, बहुत भरी भरी कार्विंग है. देखिए कार्स किस टाइप के बनाया गया, ये देखिए आप,
तो मतलब लुकिंग दी गई है प्रॉपर ना, इसमें वो नहीं किया गया कि चीजें खराब होती है सर ड्राइंग से, जिससे हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं ना, अगर हम ड्राइंग में कुछ करते हैं ना कमी, तो वहाँ जाके आइटम में मजा नहीं आता, खराब रहता है। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने दिखाया था कि पहले ही सारा ड्रॉ होता है, है ना। चलिए ठीक है, मैं चाहता हूँ आपने फ्लावर दिखाया इसका। हाँ ठीक है, कौन सा? ओ, रोज जो है। मतलब ऐसे मतलब फ्लावर्स को फ्लावर्स ही बनाया, ऐसे नहीं कि वैसे कुछ भी बना दे, बिल्कुल इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। चलिए लेट्स गो इनसाइड, अंदर क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे ना जो कस्टमर के ऑर्डर्स चल रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, अच्छा, इंडिया के कोई भी सिटी में आप ले सकते हैं, और हम ना कंप्लीट फर्नीचर देते हैं। बहुत सारे लोग रॉ फर्नीचर देख के ना ऐसे सोचते हैं कि ये लोग ना मतलब फैक्ट्री में रॉ ही देंगे, ऐसा नहीं है। रॉ भी ले सकते हैं आप और कंप्लीट ले सकते हैं, और शोरूम के अंदर जो आइटम रखी है वैसा करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन पेइंग अटेंशन टू आमिर, बट सम पीपल मे बी पेइंग अटेंशन टू माय कन्वर्सेशन एज वेल। दिस इज ऑसम, अगेन 10/10 से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, दिस इज वेरी नाइस। इनफैक्ट इसको इतना अच्छा है यार, ये बहुत सुंदर है, दिस इज वेरी नाइस और इट्स अमेजिंग। मतलब इसको आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे पिलर भी जैसे डेकोर, मेन एंट्रेंस, आप डोर भी क्यों नहीं बनाते जी? डोर्स क्यों नहीं बनाते सर? बनाते, किसने कहा नहीं बनाते? डोर्स भी बनाते सर, ऑर्डर का बनाते हैं ना, जैसे अच्छा। कि अभी आप आए हैं तो नहीं पे है, अभी आज का फ्राइडे का अच्छा। लेबर्स भी नहीं है, आप इधर आए थे तो आपसे कॉल पे बात हुई, तो आपने कहा वीडियो शूट करते हैं आपके साथ, बहुत दिन हो गया था जी। तो इसके डोर्स भी बन सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका फ्रेम बन जाएगा सर, इसे एज ए ब्यूटीफुल पिलर भी यूज कर सकते हैं, भी यूज़ करते हैं लोग एंट्री अच्छा। गेट के रूप में ना, स्पेशली सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में करते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल बैंगलोर में किया था हमने। अच्छा, यू हैव डन दैट, ओके। चलिए, ये अब हम आ गए ट्रेडिशनल सहारनपुरी आर्ट जी जी, राइट सर। इसके बारे में एक दिलचस्प बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखते होंगे आजकल, आप भी एनालाइज करते होंगे बहुत सारी वीडियोस वगैरह, तो इसकी ना कॉपी चलती है मार्केट के अंदर जी। अगर आप इसकी बात करें, कॉपी रेट में वेरिएशन आ जाता है, लाखों का वेरिएशन आ जाता है। इसको कार्विंग को थिकनेस कम कर देते हैं, वुड की क्वालिटी कम कर देते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर, पॉलिशिंग कम कर देते हैं। ये ओरिजिनल है, मतलब ये जो जैसे इसका ओरिजिन था, हाँ हाँ, ये मतलब वो है कि कॉपी नहीं किया गया प्रोडक्ट, जो था ओरिजिनल वैसे ही इसको बनाया गया। ये भी ऑर्डर का हैदराबाद जा रहा है। ऑलराइट, काफी सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, इसका जो ओरिजिन है ये यूरोप है, फ्रांस है, क्योंकि वहां पे ब्रेड्स यूज होते हैं फ्लावर्स में। अच्छा, ऐसे जैसे आप बेल देखते हैं ना, ऐसे माला के टाइप में नीचे झुकते जाते हैं और ऊपर एक फ्लावर वेस देते हैं वो, और सारी की बेलें उसमें से निकलती हुई बाहर जाती हैं। ये ओरिजिन यूरोप है इसका, बाद में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया, देख रहे फ्लावर्स ऐसे जा रहे हैं पूरे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। क्या इसकी कॉस्टिंग आती है सर? कॉस्टिंग इसकी हम डिस्क्लोज ही करेंगे सर। अच्छा, नहीं, एक टेंटेटिव राउंड जो बेड है वो क्या प्राइस रेंज में होता है? इसकी कॉपी चलती है 2 लाख तक। अच्छा, और ये 3-3.5 तक चला जाता है, डिपेंडिंग आप किस तरह का पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश कर रहे हैं, कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए, वी'ल गो एंड चेक आउट फ्यू मोर डिजाइंस। अब हम देखेंगे कुछ और यहाँ पे, ये भी रॉ प्रोडक्ट है, अभी पॉलिश होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया से बन के आया है, और ये भी डबल कार्विंग का, ये भी महाराजा डाइनिंग टेबल कह सकते हैं, आगे भी कार्विंग है, पीछे भी कार्विंग है, और नीचे से अगर आप इसका देखेंगे बहुत ही शानदार, मतलब बाल्टी लुक में इसकी कार्विंग की गई है। अच्छा जी, इसका बेस बहुत हैवी है, ये ट्विन पिलर के ऊपर है ये जी जी, ये 8-seater डाइनिंग टेबल, बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल में आता है सर ये। ठीक बात है, बहुत सारे लोग होते हैं ना अच्छे डाइनिंग टेबल लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह की चला जाता है, रेंज भी अलग होती है। ठीक है, चलिए, ये मैं कलर देख रहा हूँ कि कलर्स को लेके डिस्कशन काफी लंबा हम आप लोगों से करते हैं। वॉलनट फिनिश में कर रहे हैं, ये फिनिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, वॉलनट है, वॉलनट है, डार्क वॉलनट है ये। इसके अंदर हल्का एलिफेंट वाला झूला है, अभी इसके अंदर 25% पॉलिश का काम हुआ है। अच्छा, धीरे धीरे सैंडिंग होगी, कलर अंदर तक भरा जाएगा, तो फिर फाइनल फिनिश टच दिया जाएगा जिस दिन डिलीवरी होगा उससे 1-2 दिन पहले। चलिए ठीक है, डन। ये हमारा रॉ स्विंग है, ये बेसिक स्विंग है हमारा, ये इसके ऊपर भी ऊपर कैनोपी आने वाली है, कैनोपी आएगी ऊपर, ये भी सिंगल पिलर का है और ये स्वान के मतलब ऐसे टाइप का है ये। अच्छा जी, चलिए, और ये चेयर्स, इसके बारे में, गुरुजी चेयर है सर, लॉयन, आप हैंडल पे देखिए तो लॉयन लगे, ये आप गिफ्ट कर सकते हैं गुरुजी, एज ए गुरु से आपने। ठीक है, काफी सारे लोग इसको मजिस्ट्रेट चेयर भी कहा, नहीं, जजमेंट चेयर भी बोलते थे जी जी जी, ये बाद में गुरुजी के पास आई, बाकी जजमेंट चेयर की तरह भी इसको काफी यूज हुआ, वो तो अपना यूज के ऊपर यूज हुआ है जी, बिल्कुल जी, ब्रिटिश कोर्ट में पहले एक्चुअली ये डिजाइन यूज हुआ करते थे, कोर्ट वगैरह में जी 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 जी, मैंने देखा है वो ऐसे राइट रखा हो। अब ये क्या है? ये इन्हें इन ये टकाई बोलते हैं, अलग आर्ट है जी, ये थोड़ी राजस्थानी आर्ट है। अच्छा, ये भी कस्टमर का ही है,
ऑर्डर पे बन रहा है। यहाँ पे जो भी सामान है सब ऑर्डर पे बनाया जा रहा है सर। ठीक है, इस वाले टकाई डिजाइन के सोफास भी बनते हैं? बिल्कुल, सारी चीजें बनती है ना, सब चीजें बनती है। जैसे कार्विंग में सब चीजें बनती है, वैसे टकाई में सब चीजें बन सकती है। आमिर, काफी सारे लोगों को मानना है कि टकाई का जो काम है वो शीशम में भी किया जा सकता है। सर शीशम में मेन तो आप 10 साल पीछे चले जाते हैं, अगर आप 10 साल पहले आप खाताखेड़ी में आए होंगे या मतलब जो सहारनपुर है, पूरा एक काम होता है यहाँ पे, बहुत सारी मार्केट है, क्वालिटी अलग अलग है सबका। आप 10 साल पहले अगर सहारनपुर में आते तो शीशम वुड में ही सारे काम होते थे। ठीक है, लेकिन इंट्रिकेसी नहीं होती ना कार्विंग की, इतनी डिटेलिंग नहीं होती। सर वही तो, धीरे धीरे जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है तो फिर वुड का भी सागवान में आना पड़ा और ग्रेड्स में आना पड़ा। एक ठीक बात है। चलिए, ये क्या है यहाँ पे, ये जो हम देख रहे हैं ये कंसोल है? कंसोल फ्रेम है, जनरली थोड़ा कम रेंज से स्टार्ट होके फिर आगे आगे एक बड़ी रेंज में चले जाते हैं सारे काम ना। और ये देखिए आप, मतलब हैवी बेड्स हैं, ग्रैंडफादर क्लॉथ्स हैं, सारे ऑर्डर्स का भरा पड़ा है। मतलब ये कहाँ पे जाते हैं, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन से सेगमेंट में, कौन से सिटी में ज्यादा लोग ले रहे हैं ग्रैंडफादर क्लॉक इस तरह के? सर ये पंजाब और दिल्ली में ज्यादा लेते हैं। अच्छा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। नो, मेरे को थोड़ा सा, मुझे थोड़ा मेरे टेस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आता क्या है ये। सर ये ना घर में डेकोर में ही आता है, ऐसे कह सकते हैं डेकोर में, कि मतलब शौक है बस अपना। आप अच्छा बंगलो बना रहे तो आप चाहेंगे कि वहाँ पे एक अच्छी वॉच भी रखें या क्लॉक। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आई लाइक कंसोल्स, डेकोर में जाता है सर ये। और ये फिर फ्रेम है, देखिए कितना शानदार फ्रेम है ये। इसको एक बार ऐसे उठा के दिखाइए प्लीज। सुपर्ब। अच्छा, नए नए डिजाइन आप खुद भी इन्वेंट करते हैं, आपकी टीम भी इन्वेंट? जी जी सर, ये हम लोग नई नई चीजें लेके आते हैं। तो इसका काम देखिए आप, पास से इसका काम देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना शानदार काम है इसका। ये रॉ है या रेडी है? सर ये रॉ भी नहीं है, रेडी भी नहीं है। क्या इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं? सर ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये मैट फिनिश में रेडी होगा। मतलब ऐसे कोई ऐसा, अगर मैं इसको ऐसे कैसे ले जाऊं गाड़ी में डाल के और कहीं यूज कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सर बहुत सारे लोग, लस्टर नहीं है ना इसमें? सर बहुत सारे लोग तो फिनिश तो कर दिया है ना, सैंडिंग वगैरह कर दी है, और फिर बहुत सारे लोग ना आधे आधी पॉलिश करा के भी यूज करते हैं क्योंकि वो इसमें एंटीक लगता है। वही वही फिनिश मुझे अच्छी लग रही है। दिस इज द फिनिश दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस इज व्हाट आई लाइक, ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ एक बता दे, इपॉक्सी लेयर करने की जरूरत नहीं है ना इसके ऊपर? इपॉक्सी तो हो चुका है ना, इपॉक्सी हो गया, इपॉक्सी सीलर हो गया है इसका। फाइनल मैट फिनिश हो गया, गोल्ड या फिर ग्लॉस फिनिश हो गया। ये आप मुझे दे दो यार, किसी के ऑर्डर का तो नहीं है? सर ये तो ऑर्डर का नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर का होता तब भी आपको दे देता, उन्हें दूसरा बना के दे देता। वेरी नाइस यार, बहुत खूबसूरत है ये, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ यूज करूंगा बट मैं इसको यूज करूंगा। चलिए सर, ये आप अपने घर में लगा ले, फोटो फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। हमारा थीम थोड़ा डिफरेंट है बट हम इसको कहीं ना कहीं फ्यूजन में क्रिएट करके लगा लेंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। सो ऑल द पीपल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इफ यू आर फॉन्ड ऑफ द विंटेज फिनिश, बिकॉज विंटेज ब्लैक क्यों लोग पसंद करते हैं, और कार्विंग क्लासिक में भी एक विंटेज का टच हमेशा होता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी देता है आपको आपके पास्ट से, आपकी अपनी लाइफ से, आपकी अपनी हिस्ट्री से, आपके अपने ओरिजिन से, इसलिए लोग इनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये कलर जो है आप हमेशा चूज करिए। बेड्स के तो सर ये चीजें, ये किसने इन्वेंट किया आपने? ये डिजाइन तो हमने पहली बार देखा है। सर ये एक तरीके से मधुमक्खी टाइप का बेड बताया जाता है, जैसे मधुमक्खी छाता नहीं होता जो हनी निकलता है, तो उस टाइप में फ्लावर्स बनाया गया है। अच्छा। बहुत ही अच्छी लुकिंग आती है, अगर आप कंप्लीट फोटो देखेंगे ना तो बहुत शानदार बेड है। अच्छा। चीजें हम लोग ना कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, ये इसका रॉ है, इसका अगर फाइनल देखना चाहोगे दिखा देंगे, केरला में ऑर्डर किया था। नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ बुके है पूरा फ्लावर का, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कंप्लीट में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक बात है, सारे ऑर्डर्स के ही हैं सर ये सर। बट आई एम वेरी हैप्पी, एक चीज़ मैं बोल दूँ आपको और दिल से बोल रहा हूँ जी, और शायद आप मेरे को, मेरे उस फीलिंग को फील कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी। जो हमने पहले आपको देखा था और अब जो आपका काम था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है सर, क्वालिटी और डिज़ाइन का। आपके कस्टमर, हमारे कस्टमर, उन्होंने हमें सिखाया, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत बहुत अच्छा है। आई जस्ट लव दिस, ये मेरा पर्सनल कलर्स हैं।